हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच गए हैं अपना रूम में। काफ़ी रूम खोजने के बाद मेरे को थोड़ा से अफोर्डेबल रूम मिल गया है, क्योंकि बाकी रूम सब देखिए तो बाकी रूम में कहीं कहीं पर बेड थोड़ा से ख़राब है, या तो फिर कहीं पर ही थोड़ा सा क्या बोलते हैं रूम्स ख़राब है। तो ये वाला मेरे को काफ़ी अच्छा रूम मिला है यहाँ पर ही। तो और अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं अभी। तो अब आप लोगों जब कभी भी पूरी पहुँचे तो कम से कम थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों ऑटो ले या फिर टोटो ले, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बीच बोलने से लगभग 2 से 3 किलोमीटर के आसपास में है। और आज तो क्या ही कहना, यहाँ पर आप लोग पहुँचे कि नहीं, सुबह सुबह हमारे साथ स्कैम ही हो गया। मुझे तो पता था यहाँ पर रूट कैसा है क्या नहीं है, मगर मैंने बस थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था, बोल करके ऑटो वाले ने हमारे साथ स्कैम कर दिया। क्योंकि हमने कहा उसे कि सिटी की तरफ ले चलो, मगर उन्होंने हमें गोल्डन बीच कह करके बस सामने में ही घुमा दिया, सामने में एक राउंड मार के वापस स्टेशन में छोड़ दिया। तो गलती हमारी भी है थोड़ी सी, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे तो पता ही था कि लगभग 2 किलोमीटर के आसपास में ही बीच है। और उन्होंने तो ऐसा कहा हमें स्टेशन से, हमें अभी तो ऐसा हो रहा है ना कि अभी मतलब कि ऑटो वाले से अभी स्टेशन में ही लाइन लगा रहे हैं, कस्टमर वहीं पकड़ रहे हैं। तो वहाँ पर ही तो हमें ऑटो वाले ने हमें स्टेशन से ही हमें पिक कर लिया था, और पिक करके हमें लेकर के आया। तो पूरा रास्ता में उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, इतना पैसा लेंगे, उतना पैसा लेंगे, वहाँ छोड़ देंगे, यहाँ छोड़ देंगे। मगर उन्होंने हमें पहले तो बोला कि हाँ ठीक है चलिए जान, मतलब हमने कहा कि चलो कम से कम हमें थोड़ा सा अफोर्डेबल रूम दिखाओ। तो उन्होंने हमें, तो ऑटो वाले ने हमें अफोर्डेबल रूम दिखाने के लिए सीधा अपोजिट लेके चले गए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर थोड़ा से बीच के सामने में अगर आएंगे तो हमारे यहाँ पर ही वहाँ पर अगर होटल्स रहते हैं तो हमारा बीच भी सामने पड़ेगा, और बीच भी सामने पड़ेगा और मंदिर भी सामने पड़ेगा। और इतना दूर में हम लोग को ले गए कि वहाँ से हम लोग को लगभग 2 किलोमीटर चल के आना पड़ता है मंदिर के लिए, बीच के लिए। तो इसलिए अभी हम लोग बोले जहाँ से उठाया वहीं छोड़ दो करके, तो अब क्या करेंगे, जहाँ से उठाया हमें फिर वहीं पर ड्रॉप कर दिया, स्टेशन के पास में वापस ड्रॉप कर दिया। तो इस तरह से हमारे साथ में छोटा सा स्कैम हो गया। क्या बोले, अभी इतना तो उम्मीद नहीं था कि हमारे साथ स्कैम हो जाएगा, तो फिर भी कोई बात नहीं, तो स्कैम होने से कम से कम एक्सपीरियंस थोड़ा सा मिला कि पूरा जानकारी ले लेना चाहिए, पूरा जानकारी मतलब कि पूरा डिटेल में बात कर लो भाई, खड़ा खड़ा से कुछ बात कर लो। अब ऐसा मतलब कि पहली बार हुआ है, थोड़ा सा ध्यान हटा के नहीं दुर्घटना घटी वाली बात हो गई। हम देख रहे हैं अचानक से, हम देखें कि ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों ऑटो ने घुमा दिया। फिर सोचिए चलो आसपास में थोड़ा दिखाएगा, देखना चाहिए कि और आगे लेते गया, और लेते गया, और वहीं पर गोल घुमाया गोल घुमाया गोल घुमाया, और ला करके हमको वापस जहाँ से पिक किया था वहीं पर ड्रॉप किया। हम लोग ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो फिर भी हम लोग फिर वहाँ से फिर हम लोग टोटो लिए, फिर हम लोग जब वहाँ से टोटो लिए तो हम लोग वहाँ से टोटो लिए, टोटो में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पर पर्सन का 20 रुपया लिया, तो पर पर्सन का हम लोग का 20 रुपया लिया। तो वहाँ पर ही हम लोगों का तो हाँ, तो फ्रेंड्स सबसे बेस्ट था टोटो, जहाँ पर पर्सन 20 रुपये करके लिया, और हम लोगों को जिस टोटो वाले ने हमें लेकर के जिस टोटो वाले ने हमें होटल्स दिखाया, मतलब कि उन्होंने कहा कि आपका ये कितना है, आपका एवरेज कितना है, आपका क्या बोलते हैं उसको, आप कितना तक एफोर्ड कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें होटल दिखाया, 4-5 होटल हमें वो दिखाया कि हाँ यहाँ पर ही रूम्स लीजिए, वहाँ पर रूम्स लीजिए। तो हम लोगों को टोटो वाले ने हमें रूम्स भी दिखाए और बोले कि यहाँ से भी सामने पड़ेगा बीच। तो मुझे पता ही है कि यहाँ पर सामने पड़ेगा बीच बोल के, तो हमने भी कुछ कहा नहीं। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, आप जहाँ पर भी आप दिखा रहे हैं देख लेते हैं एक बार, देखने में क्या है, अगर कोई भी अगर आप उनको दिखा रहा है कम से कम एक बार देख लीजिए कि कहाँ पर ही कितना रेट में कैसा रूम है, कैसा बेड से, कहाँ बाथरूम से, रूम्स में देख लीजिए कहाँ पर साफ़ सफाई है। कम से कम आप लोगों के लिए भी थोड़ा से बेस्ट रहेगा कि आप लोग कहाँ पर रहना, आप लोगों को कंफर्टेबल लगेगा। कोई बात नहीं, फिर भी हम लोगों को अफोर्डेबल रूम मिल गया है। तो ऑटो वाला भैया को थोड़ा बहुत थैंक यू बोल दिए कि चलिए हमारे साथ स्कैम हो गया, और यहाँ पर क्या ही कहना, कम से इससे सबक मिल गया है कि कहीं पर ऑटो चढ़ने से पहले सब कुछ बात कर लेना है भाई। तो हम तो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जो हो गया आज, पर कोई बात नहीं। ओके फ्रेंड्स, चलिए छोटे से वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आगे भी और भी कुछ काफ़ी कुछ एक्साइटिंग होने वाला है, तो वीडियो में आगे मुझे सब्सक्राइब करिए और आगे वीडियो का मजा लेते रहिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए थैंक यू।